कैसे हैं आप लोग? सिग्नल सिस्टम से क्वेश्चंस करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वाई एन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन प्लस टू इज। तो हमें ये बताना है, इज इट डायनेमिक, स्टेटिक, कैजुअल और नॉन कॉजल। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, डायनेमिक सिस्टम किसको बोलते हैं? डायनेमिक सिस्टम होता है दैट कैन डिपेंड ऑन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एंड फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट, जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस 5 प्लस x ऑफ 2n। ठीक है, इफ एनी शिफ्टिंग और स्केलिंग प्रॉपर्टी इज अप्लाइड टू द इनपुट टू गेट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम विल बिकम डायनेमिक। कोई भी अगर आप शिफ्टिंग इनपुट में करेंगे तो आउटपुट में भी वो दिखेगा, तो सिस्टम विल बिकम डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? स्टैटिक मींस होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट। जैसे y n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस k x ऑफ n प्लस n x ऑफ n। कैजुअल सिस्टम क्या होता है? दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट, जो प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट पर डिपेंड करते हैं। जैसे y n इज इक्वल टू 5 ऑफ x n माइनस 2 प्लस n x ऑफ n माइनस 0.2। नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट, दैट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, राइट? तो जैसे इसमें आपका हो गया 3, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? 3 ऑफ x n प्रेजेंट वैल्यू एंड प्लस a ऑफ x n प्लस 10। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, 1/3 ऑफ x n, तो x n क्या हो गई? ये हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू। x n माइनस 1 क्या हो गई? ये हो गई आपकी पास्ट वैल्यू। और x n प्लस 2 क्या हो गई? ये आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट होगी। तो गिवन सिस्टम कैसा है आपका? डायनेमिक होगा, क्योंकि डायनेमिक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज पर डिपेंड करता है। और ये नॉन कॉजल भी है, क्योंकि इसमें एक फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कॉजल सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट पे करता है, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉजल प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर आ गया, तो इसीलिए ये कैसा है? डायनेमिक है, नॉन कॉजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर। देखिए, इस क्वेश्चन में सिस्टम को हम लीनियर कब बोलते हैं? इफ इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, अगर ये होमोजीनिटी का प्रिंसिपल फॉलो करता है, एंड सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन फॉलो करता है, राइट? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या बताता है? कि इफ फॉर एनी इनपुट एक्स टी, ठीक है, आउटपुट इज वाई टी, then if the input is multiplied by a constant a of x t, then the output must also be multiplied by that factor. जितना आप input को जितनी scaling factor से, जिस भी factor से multiply करोगे, तो output भी उसी factor से multiply होगा. और principle of superposition क्या कहता है? वो कहता है कि if any two inputs x1 t and x2 t produce output y1 t and y2 t, then for input x1 t plus x2 t, ठीक है, output must be कैसा होना चाहिए? y1t प्लस y2t। तो कैलकुलेशन में जैसे अभी आपको जैसे दिया है, जैसे ये yn इज इक्वल टू xn प्लस nx ऑफ n प्लस 1, तो यहाँ पे इनपुट क्या है? इनपुट आपका xn है, ठीक है, जब इनपुट xn a, जब इनपुट xn है, तो अगर आपने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, a ऑफ xn, तो प्लस a ऑफ n x ऑफ n प्लस 1, तो यहाँ पे a कॉमन आ गया ना, तो ये हो गया a ऑफ xn प्लस ये कितना हो जाएगा n x ऑफ n प्लस 1, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू a ऑफ yn। इसका मतलब फॉर इनपुट a ऑफ xn द आउटपुट a yn इज ऑब्टेन्ड, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, यहाँ पे आपने इनपुट रखा x1n प्लस x2n,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ एन वाला। यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई थ्री एन। वाई थ्री एन इज इक्वल टू वॉट, पी एन प्लस एन पी ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, तो इस केस में आप देखो, फॉर इनपुट एक्स वन एन, आउटपुट आपका क्या है, वाई वन एन, एंड फॉर इनपुट एक्स टू एन, आउटपुट आपका वाई टू एन। एक्स वन एन का इनपुट है तो वाई वन एन आउटपुट है, एक्स टू एन का इनपुट है तो आउटपुट आपका वाई टू एन है। तो लेट इनपुट जो है आपका पी एन, दिस इज इक्वल टू एक्स वन एन प्लस एक्स टू एन, अभी आपने ये माना। आउटपुट आपका क्या है, वाई थ्री है, वाई थ्री एन जो है ये आपका क्या है, आउटपुट है। तो वाई थ्री एन इज इक्वल टू पी ऑफ एन प्लस एन पी ऑफ एन प्लस वन। देखो अगर आप क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हम अभी इसको देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर हमने इनपुट पाई पी एन प्लस एन पी ऑफ एन प्लस वन वाला हमने एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाई थ्री एन क्या हो जाएगा, पी एन की वैल्यू क्या है, एक्स वन एन प्लस एक्स टू एन, एंड एन पी ऑफ एन प्लस वन को एन ऑफ एक्स वन ऑफ एन प्लस वन प्लस एक्स टू ऑफ एन प्लस वन, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक्स वन एन प्लस एन एक्स वन ऑफ एन प्लस वन एंड प्लस एक्स टू एन प्लस एक्स टू एन प्लस वन, यही होगा ना, एक्स टू एन इधर एन आ जाएगा, सॉरी इधर एन आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू किसकी हो गई, वाई वन एन प्लस वाई टू, मतलब एक तो आपका लीनियर जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, जब आपने इसको a से मल्टीप्लाई किया, a ऑफ xn प्लस a ऑफ nx n प्लस 1, तो a ऑफ xn प्लस nx n प्लस 1 कॉमन लिया तो a ऑफ y1 है। इसका मतलब इट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक तो ये इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। दूसरा अगर सिस्टम में आपने, क्योंकि दो इनपुट्स लगे हैं यहाँ पे xn, ये तो हमने x1n एन प्लस एक्स टू एन को pn माना, तो सिस्टम में जो हमें सिस्टम आउटपुट होगा वो हमने मान लिया pn प्लस np ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ पे हमने इनपुट pn को x1n एन प्लस एक्स टू एन माना, तो y3n pn प्लस np ऑफ n प्लस 1 हो गया। pn की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि फॉर इनपुट x1n एन प्लस एक्स टू एन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, y1n एन प्लस वाई टू एन, फॉर इनपुट x1n एन प्लस एक्स टू एन, इस इनपुट के लिए हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है वाई वन एन प्लस वाई टू एन, इसीलिए जो हमारा सिस्टम है वो लीनियर है, हमारा सिस्टम क्या है, लीनियर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट सीक्वेंस, ई टू द पावर जे टू पाई एन बाय फोर प्लस ई टू द पावर जे टू पाई एन बाय सिक्स। देखिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए पीरियड, जो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए पीरियड, ठीक है, इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड, उसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ ए गिवन सीक्वेंस। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ लेट एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ई टू द पावर जे ऑफ ओमेगा एन, तो फंडामेंटल पीरियड, जो फंडामेंटल पीरियड को हम डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में एन से डिनोट कर रहे हैं, तो फंडामेंटल पीरियड इसका हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा इनटू के, के क्या है, इंटीजर है। अब गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है, x ऑफ n इज इक्वल टू e टू द पावर j 2 पाई n बाय 4 प्लस e टू द पावर j 2 पाई n बाय 6। अब पीरियड जो e टू द पावर j 2 पाई n बाय 4 है, इसका पीरियड कितना है बताओ, n1, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई बाय 4 इंटू के, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो विच एम्प्लाइज ये वैल्यू हो गई 4। अब जो यानी कि जो पीरियड, अब जो हमें इसका पीरियड निकालना है n2, ठीक है, हमें n2 निकालना है, तो n2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 6 इंटू के, ये कैंसिल हो गया, विच एम्प्लाइज ये 6 हो गया। तो ओवरऑल पीरियड जो xn का होगा, जो n होगा, वो होगा LCM ऑफ n1 कॉमा n2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, LCM ऑफ 4 कॉमा 6, तो यहाँ पे 4 और 6 का आप LCM लीजिए तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 12। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा कि व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट सीक्वेंस,
तो आपका आएगा 12। सबसे पहले आपको फंडामेंटल पीरियड निकालना है हर एक सीक्वेंस का, इसका और इसका, फिर दोनों का एलसीएम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हट गया, रुके मैं लिख देती हूँ इसको, वो कहीं से हट जाता है। व्हाट इज द वाई एन इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस फाइव टू फाइव साइन टू एन ऑफ डेल्टा एन प्लस सेवन। हमें इसका जो निकालना है सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, n प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू माइनस वन, जो कि इस माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू फाइव, इन वैल्यूज के बीच में वो लाई ही नहीं करता, इसीलिए जो आपके पास y ऑफ फाइव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो आंसर क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। Value of the given waveform is A, the average power of the signal x3t plus 6 is, ठीक है ये आप निकालिएगा, ये डायग्राम है, इसको होमवर्क दे रही हूँ। अगर आपको लाइक अच्छा लगा हो मेरा ये पढ़ाने का ढंग, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर जरूर। थैंक यू।